यार खालिद, मुँह आज एक खबर मिली है। क्या खबर मिल गई तुझे? चाचा सोमलाल है ना जो, रघुवीर की बहन ना हो शिल्पा, वहाँ के चक्कर में लगा हुआ। भैजनावर ये बात तू मुझे बतला रहा? भाई तो मुझे जेल में ही पता लग गई। तो फिर अब कहाँ प्लानिंग है तेरी? बे अब प्लानिंग नहीं, अब असला काम करेगा। अब जो है खालिद लगाएगा निशाना और चाचा श्यामलाल की बर्बादी देखेगा सारा जमाना। तू अपनी वाली रैफल को ही काल ले। यहाँ पेन को पोला कहाँ गया? चल छोड़, ले ले जा झड़ पर, चल दी जा। ए बाबा लड़ंगी है मौसू, जैसे मैंने तो बताई है ना तरकीब, ऐसे ऐसे जाके कह लड़े ना, फिर नोही की लड़ाई। जा मौसी जी, पाम छुई छुआ छुई छुआ बेटा, जीव तो रहे तू बना रहे। मौसी जी मैं नू कह रहा हूँ, हमारे जो बाबा है ना, वे तुम्हारे बहुत बड़े वाले फैन बन गए, तो वे जो तुम्हारा ऑटोग्राफ मांग रहे या कागज पे है। बेटा तू भी चुलम करे, ऑटो यहाँ पे आ जाएगा इतने से कागज पे? और वो तो हमने ब्रेक भी दिया, टर्री ले ली हमने। ऐसा ना मौसी, तुम जो गलत समझ गई, मैं ऐसा ना कह रहा, मतलब हमारे जो बाबा है ना, वे तुम्हें मतलब पसंद ना, मतलब फैन है तुम्हारे, तुम उन्हें अच्छी लगो जैसे कि, तो उनका नाम जो है ना तुम अपने हाथों से या कागज पे लिख दो, तो वे वासु बहुत खुश हो जाएंगे। और यही को कहवे ऑटोग्राफ। अच्छा यू बात है, तो तू अपने बाबा ये भेज, मैं वहाँ ये देखूंगी काहे की पर्ची कटवा रहा मौसू। ठीक है जी मौसी। पता ना बुड्ढा बावड़ा होगा दिखे, काहे की रसीद कटवावे मोते। अरे मेरा फैन है तो खुद ही जवाब है, बाल करने क्यों परेशान कर रहा हो? कहा रही तमें ही बुला रही है बाबा बे, मैं पहले ही कह रहा हूँ। एक काम करता तू, घर को जा, चाखट में 5 रुपया धरे हैं, 2 की तो चिज्जी खा लीजो और 3 ने उल्टे वही धर दीजो। रिश्ता तो न लियो, भले ही कौम ना हुयो, हम देख लेंगे अपने आप, तू जा। शिल्पा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार तो ठीक है श्यामलाल जी, पर काहे की पर्ची भेजी आपने यू? वो शिल्पा जी, हम आपके बहुत बड़े फैन है ना, तो ऑटोग्राफ मांग रहे थे। अच्छा, पर श्यामलाल जी मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं तो अंगूठा लगा सकती हूँ। बे आदमी, दे दूं चाचा श्यामलाल को ऑटोग्राफ? दे दे खालिद। खालिद तेने ही अच्छा नहीं करो। शिल्पा जी चुप हो जाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चुप हो जाइए। बे यार आदमी, निशाना तो जो मैंने इसकी खोपड़ी पे लगाया, गोली तो जाकर टांग में लगी दी है इसकी। मैं तो खालिद ऐसे करियो, अब क्या आपके निशाना तो टांग पे लगाइयो और फिर गोली सिर में लगा के देखियो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चाचा मिल गया ऑटोग्राफ ना मिला, तुम्हें क्या लगा अनुगा खालिद जो बदला ना लेने का? चाचा तुमने जो मेरे दामन पर दाग लगाया, उस दामन का, और जो मेरे प्रिय मित्र आदमी के दामन पर दाग लगाया ना, उस दामन का चुन चुन का बदला ले आरत रहे खालिद। कमजोर मत जानियो, शेर अभी बूढ़ा हुआ, हथियार चलाना ना भूलो, देखूंगा तेरे बदले भी। देख रहा आदमी तो देख रहा, बुढ़े को है अकड़ जो कम ना हो रही है इसकी, रस्सी जल गई पर बल ना जा रहे हैं इसके। चल खालिद दोबारा देखेंगे यार, पकड़िए इसको यार, भजन लग रहा। लगता है श्यामलाल जी ये तो वही गिरोह है जिन्होंने दीदी रघुवीरी पर हमला किया था। हाँ 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 वही है ये, इन पर जो ना मेरी खुशी बर्दाश्त न होती, फुकैम होता ये। दिखे ये दम कहाँ लगी है? बहुत दर्द हो रहा है।
घबराओ मत ना, तुम तो स्पोर्ट कर लो, स्पोर्ट के जूता पहन रखे तुमने, तुमने तो थ्रेडिंग भी ना करवाई दी है खड़े दिन थे। चलो करवा दूंगा, चलो मल्लम पट्टी करवाऊंगा तुम्हारी। दिक्कत मत ले शिल्पा जी, हल्दी का फोया बन दियो, शाम तक 5:30 बजे तक ठीक हो जाओगी तुम, दिक्कत मत ले, भगी डोलोगी भगी। चलो ये तो सब ठीक है श्यामलाल जी, लेकिन उन दरिंदों से मेरा बदला जरूर लेना। टेंशन मत ले, तुम बदले की तुम जो सुन लो, भगा भगा के थोड़ा थोड़ा के मारूंगा उनने मैं। बाबा की उल्टी बात न करे करो, तुम भाग लोगे उनके दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। अरे उन्हें तो मैं अपना आप देख लूंगा, तू बस आदमी है देख, अकेले दुकेले देख के वहां धो दे। बाबा कैसी देख लो उल्टी उल्टी बहक की बहक बात कर रहे हो तुम, इतना बड़ा आदमी आओ मुम्मो पिट रहा हो मोई उधेड़ देगा वो तो। कर रहा फिर बावली बात हमने, अरे वहां को शरीर ही बड़ा हो बस, और नो हम कुछ भी जी तो छोटा सा ही है, अब थोड़ा सा जिए बस। फिर तो लपेट दूंगा बाबा, कर दे कौन, मैं देख लूंगा अपने आप। ठीक है बाबा जी, पाम छू छुआ। ठीक है जी मौसी जी, पाम छू छुआ। अरे खालिद, अरे चाचा श्याम लाल का पोता अमन और पीछे भाग रहा। देख ले फिर कर रहा तू बावली बातों को, मैं तो इससे डर का भाग क्यों रहा है, अकेला ही तो है ये, लपेटता क्यों ना तू इसको। बस जनावर अपनी ताकत को पहचान, बाहुबली है तू हमारा देहात का। हाँ भाई काय भाग रहा तू मेरे पीछे इतनी देर से। अरे तैने खालिद की गैल मिलकर मौसी शिल्पाहार का गोली न मरवाई, हमारे बाबा की जानकारी में है वे। तो गोली मैंने चलाई, खालिद चलाई गोली। तो गैल तो तू भी है, बाबा ने नू कह दिया कि तो आदमी बबरा ना भाई, देख मौत पीटना पड़ेगा तू। बेसमा और जी ना कर रहा मेरा, ले ली दवाई, ले ली बाबा दवाई तो घबरा मत, ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा पर तब मैं कल कद आएगी हूँ, वो कैसा सौंड सा आदमी, अरे बालक सवा से लड़ने को भेज दिया तुमने। अरे मौका फतोई, हमने इतनी सुनी ताकत न हवा में। बाबा गलत अफवाह सुनी है तुमने, निरी अफवाह को हम ताकत न, एक एक घुसवा को ऐसा लग रहा हो जैसे 5 किलो का हथौड़ा लग रहा हो कमर में। अबे साजी वह मंगल है बुला लो, 2 साल भतेरी होगी, उतन फिर भी जो लिकड़ू बाड़ू सो बात सिमान लेगा। चल बुला ले ससुरे परे को, मिलाइए फोन। मैंने गे ले आ ठाली में ठाली है। बेटा मंगल सुबह तक जो घर आ ले, इमरजेंसी है। अब भाई तो 2 साल हो गई गए हुए, तू अब भी ऐसो का ऐसो ही है। अब बाबा दूध ना हो रहा मुंह मार के तो या मारे। अब ऐसा है, हमारी बात सुन, खाली सु का बात पर जो बिगाड़ खा तो चल लो है। कोई बात ना बाबा, निमटा दूंगा पूरी बात है तो सुन ले, कभी तू ही निमट जावे तो वह खाली तो कुछ ना कहनी है, आदमी को शिकार करना तो वहां ने अमन की गैल जो है मारपीट करी। कोई बात ना बाबा, तुम टेंशन मत लो, मैं तो आदमी थपड़ा दूंगा। भाई सुनो, तुम दोनों मेरे सबसे गहरे दोस्त हो, और बाबा ने दी है मो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बाबा ने कही है कि तो बेटा आदमी ढूंढो, पर मैं बाबा जो सरप्राइज दूंगा,
मैं ढूंढूंगा खालिद अभी। अब ऐसी जगह ढूंढो जहाँ खालिद और आदमी एक गैल मिल सके। हमें पता कहाँ मिलेंगे वे दोनों। हमें चेटा तो कोई दिक्कत? अरे दिक्कत तो कुछ ना यार, पर घोरा गया तो कोई दिक्कत नहीं। वाह तो मैं भी मिस कर रहा हूँ, पर वह बुखार होगा तो क्या कर सके। चलो बे आदमी, मैं मानता हूँ तूने अमन को जो रपटा दिया, लेकिन चाचा श्यामलाल जो है ना, वो शांत बैठने वाला ना, ये जो इतनी शांति हो रही है ना इस माहौल में, तू देख लेना ये किसी आने वाले तूफान का इशारा। यार गुहेरा सही रहे तू, आको तेरे बिगर अकेलो महसूस कर रहे हैं मैं। ए भाई खालिद, तू कहा जान रहे हो अकेले अमन पीट के, तू मर्द बन रहे हो अपने आप में? या मंगल है भूल को दिखा है तू, खौफ न खा रहा कतई भी? देख रहा आदमी तू, देख रहा ये जितना बोल रहा, इसको इसके बाबा ने इस कदर रपटाया मेरे सामने ही, इसको रपटा के इसके मामान में भेजा, आज ये अपने अध्य पऊ की फौज को लेकर खालिद को डराना आया। बस जिनावर निपटा दूंगा, निकल जा वरना नहा से। अभी देखूंगा तो कौन किसे निपटाएगा। आदमी ऐसा बाजनाने का आए, किसी के साथ अन्याय करना ना, इन दो को तो नहीं, ऐसा नहीं भाई। एक तो इस वाले भाई, इधर आ तू, इधर आई कल के, इधर को आज इसके पास में आ तू, हाँ आ जा शर्मा क्यों रहा, हाँ नहीं इधर इधर वाले जो दो, इनों तो मैं रपटे आता हूँ, इनों तो तेरा बक्कल तार इनके है ना, कुर्सियों को हटा ले कभी टूट टाट जाए यार। फून को निकाल दूं मैं, जरा रुक जा जिनावर, तुझे मैं बनाऊंगा आज गुंडा। कैसे रही, कुछ तो बता कैसे बोलना लिखट रहा तेरा। बाबा धोखे में गड़बड़ होगी, धोखे में गड़बड़ बता रहा हूँ, अनिति तम अपना आप चढ़ रही है। ए भाई अमन, मैं तेरे आ गया था कह ही नहीं कि खालिद के सामने मत पड़ियो तू, है फिर यहाँ कहा जरूरत ही मुकदम बनने की। अरे काहे को बनाओ तू मुकदम? अरे मैं तो न्यू सोच रहा हूँ जब आया हूँ तो दोनों ने एक गैली थपड़ा दूं। थपड़ा दिया फिर, तुम तो खुद ही थपड़ के आगे है भाई। अब बेटा मन, तेरी तबीयत कैसे है, कुछ सुधार न? अब तो आ रहा हूँ मैं बाबा, मेरा कल सु हड़कल सी हल्की हल्की, और मैंने रोटी भी खाई, डेढ़ रोटी खाई, लग रहा आराम तो बाबा। तो भैया एक काम कर, राइफल निकाल ले, ये खालिद सुधारना पड़ेगा। ओह नो। हाँ बाबा, मो भी अपने इंतकाम का बदलो लेना आदमी सु। खालिद एक बुरी खबर है। मैं जिनावर, तू जब भी आवे बुरी खबर बतलाता रहे, कुछ अच्छी खबर भी सुनाएगा कभी ना। खबर यू है, चाचा सोमलाल ने ना हथियार उठा लिए। बेजब्बे हो पीछे तू बुरी खबर बतला रहा, ये तो अच्छी है, इसी दिन का तो इंतजार है मुझे, हम पे कोई असले की कमी थोड़ी पड़ रही है। तू अपनी रैफल में जो रेगबाल बेगबाल माल का कर ले तैयार उसको, है ना, चल ले। मैं रुखसाना से खाना बंधवा लूँ दो तीन दिनों का, चाचा को दो तीन दिनों में जो ना ऐसा निपटा देना, फिनिश कर दूंगा, चिंता ना कर तू। ठीक है मैं जा रहा हूँ। बस सुन यार, थोड़ा सहारा दियो, मेरी कमर में दर्द बनना। चल मैं ला रहा हूँ। यो 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 यो
बाबा ये तो आगे पूरी तैयारी सो आई ये भी। मैं अंधा हूँ, वो दिखाई ना दे रहा। रोटी ने पीछे उधर गोली पोली लग गई तो भूखा ही मरा है आज के जंगल में। और एक देते नहीं सोने बाद या और एक देते बड्डे हमें तू है। अब सुन, यू पेड़ था तेरा या पीछे दबक और मेरा आज यू इनके पीछे से दबक के हमला करना हो, ठीक है ना? ठीक है बाबा जी, बैठो रे। अब पहले बार को इंतजार करना। मैं कहाँ चलाऊंगा बाबा जी, मैं पिन डाले नहीं मान लीजो और वैसा करके फेंकियो जैसे बम फेंके। अबे खालिद, ये तो पूरी तैयारी से आए हैं। बेदा जनावर, तेरा ब्याह हो रहा है जो तेरे ब्याह में दावत खाना है ये? बे खालिद से मुकाबला ही नौका तैयारी से लांगे ना पता धूल में मिला कर रख देगा। अब बकैती तू ज्यादा करे मत, इन रोटियों को पीछे रख सफाई से चल। अल्लाह इस राइफल को दे जरा मुझे। ला बे खालिद पकड़। ऐसा हाल है तो खड़ा मत हो मेरे सामने, आ जा, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ना तुझ पे। सीधा रहना तुझे, सीधा इस तरह से ऐसे घूम जा हल्का सा, है ना? मैं मुझे एक शक लग रहा, तेरे अगर कोई गोली लगती है तो इकल के मुझ पे हमला तो ना कर देगी, मैं सेफ हूं ना तेरे पीछे। ना खालिद, गोली तो साइड से पड़ जाएगी। मैं मेरे स्टील मैन, इसीलिए तो मैं तुझे देहात का बाहुबली बतलाता हूँ। अब मेरी बात सुन, जंग के मैदान में आदमी ऐसा बतलाते हैं शान दंड भेदभाव सब कुछ अजमाना चाहिए। एक काम करना तुझे, जब भी मैं इस बटन को दबाऊं, इस बटन पर निगाह रखनी, जैसे ही बटन दबाऊं तो मुंह से आवाज निकाल गोली की, हट इस तरह से। यार खालिद, जब गोली चलेगी तो आवाज तपड़ाप आ जाएगी। देख ले कर रहा जिनावर पंती, ना कर रहा तू आदमी। मेरे गुरु ने मुझे कुछ बतलाया, तुझे बतला रहा हूं। जब भी जंग के मैदान में जाओ, ना से सोचो, ना से ना का कम सुनो, वरना मार खा जाओगे। जब भी मैं गोली छोड़ू, अब तू देखना, समझना मेरी स्कीम को, तू तीन ही गोलियां तो हमारे पास। जब भी मैं बटन दबाऊं तो भट्ट से गोली चला, मुंह से आवाज निकाल। उधर से चाचा जवाबी कार्रवाई तो करेगा ही करेगा, माने तो है ना, ये बदमाश रहा है यहाँ पहले, ये अपनी गोलियों को निपटा लेगा। अब जब चाचा की गोलियां निमट जाएंगी तो लगा कितनी आसानी से निपटाएंगे ना हम। तीन गोलियां ऐसा असर दिखाएंगी ना, भर्राटे उड़ा देंगी यार, समझ रहा ना? आ जा पोजिशन को ले ले, चाचा को करन दे पहला हमला। भाई यू स्कीम ठीक है, मतलब मो गोली चलानी नहीं है और तू जो वैसी आवाज निकाल निकाल कर जंग जिताते को। बाबा समझे ना तुम बात है, तुम जो यहाँ में गोली मत बढ़ाओ, नुई बटन तेड़ तेड़ ऐसा करते रही हूँ तो जो गोली की आवाज बने कर रहे हो, मैं मुंह में से निकालूंगा जस्ट ढकचिया हूँ, तो उन्हें लगेगी गोली चल रही है, उनकी थोड़ी बहुत देर में गोली खत्म हो जाएंगी, फिर तो एक तरफा मार मारेंगे बाबा इनमें। बे आदमी, चाचा तो हमला कर ही ना रहा, किस इंतजार में बैठा? चाचा शुरू क्यों ना करते हो? तू जो करे तू कर चालू पहले। भाई चाचा देख लो, करो बाबली बातों को ना करते हो। जंग के मैदान में लड़ाई लड़ने आ गाऊं तो अपनी तालीम थोड़ी भूल जाऊंगा चाचा, तुम बड़े ना हो मुझसे, तुम चलाओगे पहली गोली यार। भाई यह बात है ठीक कह रहे हो, हुक्का में पहले घूट भी तो मैं ही मारू। अब तू तैयार रहियो, मैं फायर करूंगा, आवाज निकालियो ठीक है तुम डिकचिया। मैं यार पेट में सिर लग गया आदमी यार, अब खड़ा होकर ना लड़ा जाने का, मुझे बैठ जा यार। अब बटन को दबा रहा हूं मैं, आवाज निकालने को तैयार रही है ना? फटा बाबा, ऐसे जात सी ना पड़ी किंगे कर ली कड़की लगी तो नहीं था रहा। ना ना ना, अच्छा ही काल लिया तू दे यार, चल
अब थोड़ा स्पीड से चलाऊंगा मैं गन को, है ना। दर्शिया, दर्शिया। अब भाई रुक, मशीन गन की आवाज आ तो पे निकाल लूंगा बाबा। अब का मशीन गन चलाऊंगा, आवाज निकाल रही हो। अब देख भाई, एक कैसी नाबरपंती हो रही है, चाचा तो मशीन गन लेकर आया। बाबा मैं तो थका पड़ा हूँ, इतनी देर से गोली चलवाए जा रहे हो, मुंह पे देखियो भूख लग रही है भगवान कसम। सुबह तुमने लिया है तनक से चाय पी मैंने, या सो कहो खा ले, सो थोड़ी देर को रोक लेगा लड़ाई, रोटी वोटी खा लेना। अब मैं खा ले थे, अरे रोटी वोटी खा ले मैं, अब बहुत देर हो गई यार लड़ते लड़ते, खाली पेट ना लड़ो, जाओ बम पे। भूख तो जैसा हमें भी लग रही है, खा लो तो पहले खाना खा लो, और कह रहे खा इसमें, खा लो तो खा ले तू भी, हम भी खा रहे हैं। आ भैया ले आ संभालियो। ले भाई खोलिए खा ले, कहाँ आओ, अरे भूख लग रही है। हाथ तो यार गंदे पड़े हैं आदमी यार, ले गई इस बलियान को अपने को। देखो काहे तो भेजिए रोटी, डिब्बा में भेजिए रोटी, पता ना बाबा माँ भी कहा करे बतायु तो। ये ऐसा डिब्बा ना बाबा जो सुनील हर के सो आयो भात के बाद में जो आयो रात को, ओ यही होता तो बाबा हो सके माँ ने हमें से मिठाई विठाई निकाल ली होंगी, अरे रोटी बांध दी हमें। भाई लुड्डो तू सामने होती तो अभी भुगत देता मैं, कहाँ भेजो यू। अब बताओ बाबा देख लो तुम, इतनी दूर हम जंग लड़ने आए आज के, सूखी मट्ठल न खा गए ना हम, एक तो ब्याह वाले इनको राग समझ में ना तो बाबा मोह तो, इरा मिठाई इनकी कह लो, इनको कहाँ को मैं इन मिठान को, रसगुल्ले दे दो धोड़े काले जैसे तार बने रसगुल्ले दे, गाजर को हलवा बचो रहे मैं वहाँ धरो, इन्हें धर दे तेल में उठा के, बताओ बाबा मेरे बाबा नुकसान दे गैस बना देंगे। बाबा मैं कह रहा एक आध रोटी पैस दिवा तो मो खाली धर पैसो। वो आदमी छोड़ रहा रोटी ने, कोई एक आध बच जाएगी तो देखूं। अबे खाली दे को रोटी फालतू है, जैसे रोटियां दो तीन दिन का राशन लाए हम तो, रोटियां भर के बतलाओ तुम। बाबा मैं कह रहा हूँ रोटीन को तो कह ही रहा हूँ, यहाँ पे छावा है सब हो गया चार बचार, यहाँ अपनी गैल खाने को बुला लो, ट्वेल्व पे कह दो नो हाथ वातन धो के खाएंगे, यहाँ सब गंदगी पड़ी है अपना, कह दो तुम चाल खेलनी पड़ेगी तो है। खा लेते उंगा कुछ चल रहा ट्वेल ओढ़ को, यहाँ पानी वाणी को भी इंतजाम दो, ट्वेल्व पे पानी पे है को, हाँ उंगा खाएंगे चल। सही कह रहा है, बदबू आ रही हाथ तुम चल। इन्हें मट्ठी देनी है खाने को, कदे मिठाई न दे लगो, मिठाई हमारे तुम दाबेंगे मट्ठी न दे देंगे, चलो बंदूक ले चलो, ले चलो। बस 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 बहुत सब ही है। खालिद मेरे ने दुआ दे देगा, करे बाबरी बातें ना करे, पीने को भी बचाएगा फिर इसमें ऐसे ही खा ले, पूछ ले हाँ बस और क्या। चाचा लोगे पानी तुम धोए, धोई जाए चाचा धोई जाए। अचार तो ले गई ना तू, मैं पहले इसको दे जिनाबर को, ये पहले आ जाता ले, और दुआ कर हमारी जीत के लियो। आदमी कितनी रोटी खा लिया कम से कम तू,
दो दिन का राशन है, थोड़ी लियो तू है ना। अबे खा लेते, एक रोटी देते, एक जी कर रहा हमारे तोते को। ले जाओ चाचा, रोटियों के लिए तो मना मैंने ना करा तुमसे। दुश्मनी जो वहां जंग के मैदान में, रोटी पानी के मैदान में तो भाईचारा। आ जाओ, अचार लगा देता हूँ रोटी में। एक रोल बना के दे दिया इसको, इस तरह से दे दिया। अब चाचा हैं ऐसा थोड़ी, हमें भी तो मिठाइयाँ दो, एक दो पीस। अरे खाली दो मौके ले लीजिए जनाब। अरे इसको सटक ले, चाचा भूखा रहेगा। मट्ठी भी तो ले ले, मट्ठी। चाचा एक बात समझ में ना आई मेरी, मैं तो जब तुम गोलियां चला रहे, गोलियां चल रही तुम्हारी तरफ से बराबर, अब मैंने वहां जांच पर खा भी है, स्टैंड गन तो नहीं तुम्हारे पास, ये कौन सी स्टाइलिश गन आई है ऐसी जिसमें स्टैंड गन भी चल रही, एक 47 भी चल रही नहीं? या मैं खाली तो सारे गुण है, एक 47 भी है, मशीन गन भी है, और एक आध और कभी यूज ना करिए ना जाता हमने। चाची अब तुम झाड़ फूस में ही लगी रहोगी, चलना रही हो, अब तक तो असर हैगा होएगा। हम बेबी भी चल चल, होगा होएगा असर। अरे बीबी तेने तो मौसम लगे ज्यादा मिला दिया दिखे हो, या कत मुंह फटा पड़ा कते। ए चाची तुमको ना पता, मैं जानू इसे कति जहरीला ना आ गए, थोड़े बहुत में तो इसके असर भी ना होता। अब तन फोन कर दिया, वे आ रहे ना आ रहे अभी? हां मैंने फोन मार दिया, अभी आते होंगे। हां भी मोहतरमा, तुमने इन आदमी को कब्जे में कुक कर लिया, ये तो बड़े खतरनाक आदमी है। ये खालिद ने तो जेल में ले गए थे हमारे, इसने वहाँ हमारा जीना हराम कर दिया था। ए दरोगे साहब, ये ऐसी काबू में थोड़ी आए हैं, मैंने और चाची ने मिलके पलान बनाया, इन दोनों के खाने में नशीली दवा मिला दी हमने। अच्छा रे, ये तो तुमने बढ़िया काम करा है। अब ये खड़े खड़े कहा देखते रहोगे, इन्हें ठा के ले जाओ, बंद करो इन्हें, अन्य फिर के काबू में ना आने के, भाग जाएंगे नहीं तो होश में आते। हम चल रहे हैं घर को, हमें रोटी को देर हो रही है, मेरे मंगल बुखार हो रहा हो। मेरा भी सारुक रो रहा होगा। चल बीबी तू चले भाई, चल चाची। फायदा इतनी सी तो जिंदगी है, का पता अल्लाह ताला का कब बुलावा आ जावे, कब उठा ले हमको। ए चाची जिंदगी जीनी चाहिए, आराम से जीनी चाहिए, हंस बोल के जीनी चाहिए, बैर करने से का फायदा, बताओ मैं ठीक कह रही हूँ ना कह रही? सही कह रही है बीबी, हंस बोल के कहा, अच्छे नौज गा के बिताओ जिंदगी है। मेरे ससुर ने बाग लगाया रे, डाली डाली पे अनार, डाली डाली पे अनार, मेरे ससुर ने बाग लगाया।